तो स्टूडेंट आगे हम लोग देखते हैं कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट सर्किट को स्टडी करते हैं। जैसे ये सर्किट है, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। इस क्वेश्चन में इस टाइप का अरेंजमेंट है, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड देन 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड ऐसा करके, और ये इनफाइनाइट सीरीज है। अभी बोला है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जहां भी ये इनफाइनाइट सर्किट रहेगा, इसमें हमको देखना है कि ये सर्किट सिमिलरिटी कहां से शो कर रहा है। तो जैसे ये एक 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, फिर 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, फिर 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, इस टाइप का है। यानी अगर हम लोग इस सर्किट को यहां से ब्रेक कर दें तो भी ये क्या होगा, सिमिलर टाइप दिखेगा। ओके, और ये इनफाइनाइट सीरीज है, यानी इनफाइनाइट सर्किट है। तो सपोज ये पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कितना है, सी है। यानी इस टाइप का जितना भी इनफाइनाइट अरेंजमेंट है, इसका कैपेसिटेंस सी है। तो अगर ये पूरे का कैपेसिटेंस सी है, तो इसमें हम लोग एक कॉम्बिनेशन को आउट भी कर दें तो भी उसका वैल्यू कितना आएगा, सी ही आएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सर्किट है। तो अगर हम लोग इसका पूरे का कैपेसिटेंस सी ले लिए, यानी इफ सी इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहां से अगर मिटा दें तो ये टोटल कैपेसिटेंस कितना लिए हैं, सी लिए हैं, ये सी हो गया। अब देखो, अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ये टू और ये सी किसमें है, सीरीज में है। तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो, C1 C2 upon C1 plus C2 वाला, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का कैपेसिटेंस इसका और इसका, ये हो जाएगा C डैश कर दो इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है 2, C2 का वैल्यू है C upon 2 plus C। अब ये हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, C डैश आ गया। अब ये C डैश और ये 1 माइक्रोफेरड ये किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस हो गया इक्वल टू 1 plus C dash, और ये टोटल कैपेसिटेंस हम लोग किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, C के। C इक्वल टू 1 plus C dash कितना है, 2C upon 2 plus C। तो इसको आगे सिंप्लीफाइड करते हैं, C इक्वल टू एलसीएम ले लो 2 plus C, और ये क्या हो जाएगा 2 plus C plus 2C, ये हो जाएगा 2C plus C square equal to 2 plus 3C। ये आगे सॉल्व हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो, C square equal to 2 plus C, यानी C square minus C minus 2 equal to 0। इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने से C का वैल्यू आ जाएगा। तो C का वैल्यू कितना आएगा, -B, यानी 1 plus minus square root B square and 1 square minus 4। A का वैल्यू है 1 into C का वैल्यू कितना है, -2 upon 2A। तो ये हो जाएगा C equal to 1 plus minus 4 to the 8 plus 1 9 9 to the 3, हो गया 3 upon 2, और A का वैल्यू है 1। तो ये हो गया C इक्वल टू, अगर प्लस साइन लेंगे तो क्या हो गया, C इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, और अगर माइनस साइन लेंगे तो C इक्वल टू -1 माइक्रोफेरेड। और किसी भी कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा हुआ, C इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। तो इस टाइप से सॉल्व करना है, जहां भी ये इनफाइनाइट सीरीज रहेगा उसमें फर्स्ट वाले यूनिट को छोड़ के बाकी सबको हमको सी के इक्वल लेने, सी के इक्वल तो सभी होगा, मगर हम लोग फर्स्ट यूनिट को लेफ्ट कर देंगे और बाकी का वैल्यू भी क्या पुट कर देंगे, सी पुट कर देंगे। उसके बाद जो अपना फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। अब देखो इसको देखते हैं, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ये थोड़ा सा टेडियस लग रहा है देखने में, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। अब जैसे ये थोड़ा सा मिक्स टाइप से लग रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये है पैरेलल, यानी क्या होता है, अगर सबका प्लस एक जगह और माइनस एक जगह है, यानी फर्स्ट प्लेट एक जगह और सेकंड प्लेट एक जगह कनेक्टेड है, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर है,
इसका सेकेंड प्लेट यहां पर कनेक्टेड है और ये वाले कैपेसिटर का भी सेकेंड प्लेट यहां कनेक्टेड है। फर्स्ट प्लेट भी यहां कनेक्टेड है इसका ए से, और ये कैपेसिटर इस सी वन सी टू कर देते हैं, सी टू का भी फर्स्ट प्लेट इनडायरेक्टली यही कनेक्टेड है। तो हम लोग इसको यहां से हटा के ये इधर जोड़ सकते हैं, यानी ये जो कैपेसिटर है इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। C2 का वैल्यू ये भी कितना था, 1 माइक्रोफैरड। सिमिलरली देखो यहां पर ये जो कैपेसिटर है इसका एक प्लेट B पे है और सेकंड यहां है, इसको नाम दे दिए C3 C4। तो C4 वाला भी एक प्लेट, यानी C4 का सेकंड प्लेट एक जगह और फर्स्ट प्लेट कहां कनेक्टेड है, B से कनेक्टेड है यहां जाके। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, C3 C4। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, C1 C2 किसमें है, पैरेलल में है, C3 C4 भी किसमें है, पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, C12 इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी 1 + 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। वैसे यहाँ पे C34 इक्वल टू C3 प्लस C4 इक्वल टू 1 + 1, ये भी कितना हुआ, 2 माइक्रोफैरड। ओके, यानी ये जो इसको सॉल्व किए यहाँ पे आंसर आया 2 माइक्रोफैरड। इसको हटा दो तो ये हो गया कितना, 2 माइक्रोफैरड। वैसे ही ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ये बन जाएगा, अब ये 2 और ये 1 किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी डैश कर दो, सी डैश इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, यानी 2/3। वैसे ये भी सीरीज में है, तो सी डबल डैश इक्वल टू 1 × 2/1 + 2, यानी 2/3। तो यहां हम लोग हटा दिए, यहां हो गया तुम्हारा सी डैश और ये हो गया सी डबल डैश। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस सी इक्वल टू सी डैश प्लस सी डबल डैश, यानी 2/3 प्लस 2/3, क्या हो गया, सी इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हमको मेन क्या करना है, सीरीज और पैरेलल केयरफुली आइडेंटिफाई करना है। कई बार देखने से वो सीरीज जैसा दिखेगा बट वो रहता किसमें है, पैरेलल में, या कई बार पैरेलल टाइप का अपीयर होता है बट वो रहता किसमें है, सीरीज में रहता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फर्स्ट प्लेट एक जगह और सेकेंड प्लेट एक जगह है तो वो किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब देखते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। यहां भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है आइडेंटिफाई करना कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। अब देखें यहां पे C1 C2 C3 C4 4 कैपेसिटर है। अब बताया ये दोनों पैरेलल में डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, किसमें है ये, देखो यहां पे C1 और C3 को हम लोग देखें। अभी ये देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, सीरीज पर पता नहीं चल रहा है, बट देखो इसका अभी तो बताया था पहले में, ये सेकेंड वाला प्लेट यहाँ पर है और फर्स्ट वाला प्लेट तो इधर कनेक्टेड है ना पॉइंट ए से, यानी इसको मैं ये तो वायर का कनेक्शन है, इसको मैं चाहे यहाँ कनेक्ट करूं, यहाँ कनेक्ट करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं, या यहाँ कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, C2 इक्वल टू कितना सा ये क्वेश्चन में 1 माइक्रोफैरड था, ये भी 1 माइक्रोफैरड है। तो अब ये 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होता है, सी इक्वल टू 1 + 1, यानी 2 माइक्रोफैरड। यानी इसको हम लोग हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो ये कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। किसको, C1 और C3 को सॉल्व किए थे, C13 दे दिए। अब ये C13 और ये किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस C123 इक्वल टू C13 × C2 / C13 + C2, 2 × 1/2 + 1, यानी कितना हो गया, 2/3। तो C123 2/3 माइक्रोफैरड हुआ।
ओके तो ये हो गया 2/3 माइक्रोफेरेड। अब देखो ये तो हो गया 2/3 माइक्रोफेरेड और ये C4, ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो फाइनल C इक्वल टू 2/3 + 2 यानी 8/3 माइक्रोफेरेड। तो इस टाइप से आगे आपको सॉल्व करते जाना है, तो ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए।